तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वर्चुअल मीटिंग की जो अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच. सुनिए. Prime Minister Modi, it's always good to see you. I'm looking forward to seeing you in Japan about the 24th of May. And I was honored to welcome you to the White House last September to discuss U.S.-Indian relations, to meet with our fellow Quad leaders. And I'm pleased to have this opportunity to speak to you today virtually and with your two ministers and your ambassador here in person. There's a contemporaneous? Yeah. Oh, I'm sorry. There's two vibrant democracies who one is learning how to make sure I can do this contemporaneously. But two vibrant democracies. We take the same concerns about the global challenges we face with COVID-19, advancing health security and tracking the climate crisis. And we share a strong and growing major defense partnership. At the root of our partnership is a deep connection between our people, ties of family, of friendship, and of shared values. On that note, I want to welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault, including a tragic shelling in a train station last week that killed dozens of innocent children and women and civilians attempting to flee the violence. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. And I'm looking forward to our discussions today, Mr. Prime Minister. Our continued consultation and dialogue are key to ensuring the U.S.-Indian relationship continues to grow deeper and stronger, delivering our people and our global good that we all are seeking to manage, particularly in your part of the world. And the floor is yours, Mr. Prime Minister. President Biden, सबसे पहले मैं आपके गर्मजोशी भरे शब्दों के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं. आज हमारे रक्षा और विदेश मंत्री कुछ देर बाद 2+2 फॉर्मेट में मिलेंगे. उससे पहले हमारी यह मुलाकात उनकी बातचीत को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्चुअल मुलाकात का इनिशिएटिव आपने लिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं. एक्सलेंसी, पिछले साल सितंबर में जब मैं वॉशिंगटन आया था और जिसका आपने अभी जिक्र भी किया और तब आपने कहा था कि भारत अमेरिका पार्टनरशिप बहुत सी वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकती है. मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं. विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था. एक्सलेंसी, आज की हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है. कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे. काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए. हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की. मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा. हमारी संसद भी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विचार विस्तार से चर्चा हुई. हाल में
बुचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर, we're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room. जो वर्चुअल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच चल रही है, उसमें आपने दोनों ही नेताओं के कमेंट सुने। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, दोनों सरकारों के बीच, दोनों ही इकोनॉमीज के बीच, और साथ ही जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होता है उसे लेकर डिटेल में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के लिए शुक्रिया कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, दोनों के बीच डायरेक्ट बात होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारतीय फंसे हुए थे, करीब 20,000 जिनकी संख्या थी यूक्रेन में, उन्हें किस तरह से निकाला गया और भारत शांति की तरफ किस तरह से कोशिशें कर रहा है, और जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, चाहे वो COVID-19 से जुड़े हों या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के तौर पर एक बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने हो, उस पर दोनों ही लीडर्स द्वारा, चाहे वो प्रेसिडेंट बाइडेन हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों द्वारा अपनी राय खुलकर यहां पर रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बूचा में जो नरसंहार हुआ उसकी निंदा भी की और साथ ही ये कहा कि भारत का पक्ष, भारत का रुख, भारत का स्टैंड क्लियर है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो हम आपको जी न्यूज पर ये वर्चुअल मीटिंग, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं कि किस तरह इंडिया और यूएस के संबंध आगे बढ़ते हैं, उस लिहाज से ये वर्चुअल मीटिंग काफी अहम हो जाती है। इसका जो ग्राउंड है वो भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका लगातार एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भारत रशिया के साथ अपने जो ट्रेडिशनल टाइज हैं वो शेयर करता है। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा अभी कि उनकी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात हुई है इस वॉर की शुरुआत के बाद से, और भारत द्वारा अपना रुख साफ किया गया कि भारत यूक्रेन में शांति चाहता है, यूक्रेन की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार है, दवाइयां भेजी जा रही हैं जो मानवीय मदद भारत पहुंचा सकता है यूक्रेन तक, हर वो संभव मदद पहुंचाई जा रही है। बूचा में नागरिकों की जो हत्या हुई, जो क्राइम वॉर्स की बात की जा रही है, वॉर क्राइम्स की बात की जा रही है, माफ कीजिएगा, उसे लेकर भी भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया कि बूचा में जो कुछ हुआ उसकी निष्पक्ष
उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसका सच सामने आना चाहिए। साथ ही एक और बड़ी बात जो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डायरेक्ट बात करें, एक दूसरे से सीधे संवाद करें और उन्हें उम्मीद है जो रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है उससे कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.